हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलना शेख बाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप 12th क्लास और 10th क्लास का रिजल्ट्स अपने देख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आप अपने रोल नंबर को किस तरह से सर्च कर सकते हैं, यही सारी प्रोसेस मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ऑन करना है और उस पर सर्च करना है UPMSP। UPMSP सर्च करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है, इसकी मेन वेबसाइट खुल करके सामने आएगी। आपको UPMSP पर टच करना है। वेबसाइट ओपन हो चुकी है और कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, आप देख लीजिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ये इसकी मेन वेबसाइट खुल करके सामने आई है। अब आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। तो स्क्रॉल ऊपर की साइड करने के बाद आपको आप डेट देख लीजिए, 1 फरवरी सन 2020 आएगा और होगा वर्ष 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपने शैक्षिक विवरणों की त्रुटियों की जांच करने के लिए लॉगिन करें। विवरण में त्रुटि होने की दशा में उसमें सुधार के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन देना होगा। ये जो लिखा हुआ है आपको इसे टच करना है और इसे टच करने के बाद आपके पास सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी है। कक्षा आप किस जो है क्लास के बारे में जानकारी चाहते हैं, यानी कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, और आपको अपना रोल नंबर देखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास चूज करनी होगी। हाई स्कूल की है तो हाई स्कूल को चूज कीजिए, इंटरमीडिएट के हैं तो इंटरमीडिएट को चूज कीजिए। आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो मैंने यहाँ पर हाई स्कूल के स्टूडेंट हाई स्कूल चूज किया है। परीक्षा वर्ष 2020 ये यहाँ पर, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जो है 2020 में करवाया होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है 2020, आपको इसी को चूज कर लेना है। जनपद के ऑप्शन में आपको वही जनपद यानी कि जिला चूज करना है जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ पर जिला बिजनौर चूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट का यहाँ पर रोल नंबर देखना चाह रही हूँ वो स्टूडेंट जिला बिजनौर से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं यहाँ पर जिला बिजनौर को चूज कर रही हूँ, बिजनौर। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद को चूज करने के बाद अब हम विद्यालय यानी कि स्कूल का नाम सिलेक्ट करेंगे, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्कूल का नाम देख रही हूँ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिजनौर। तो आप अल्फाबेट वाइज भी कॉलेज या स्कूल का नाम सर्च कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिजनौर जी वाले में आएगा। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बिजनौर, इसका कॉलेज कोड है 1034। यहाँ पर हमको क्लिक कर लेना है। अब आपको अपना नाम एंटर करना है, जिस नाम से आप देखिए, ये नाम खुद ब खुद आ गया है, मोहम्मद मेहर आलम। मैं इसी स्टूडेंट के नाम रोल नंबर के बारे में जानकारी चाहती थी और यही नाम इसमें आ गया है।
तो देखिए, मोहम्मद मेहर आलम सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो भी नाम आप सर्च करेंगे, देखिए अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो बहुत सारे नाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स के नाम से उसका पता लगाना है। मोहम्मद मेहर आलम के नाम से ये एक ही सिर्फ कोई बच्चा है। तो इसलिए यहाँ पर एक ही नाम आया है। तो ये इसका रोल नंबर है 21066 7956। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है 23103409190411। और ये नाम है मोहम्मद मेहर आलम। इनकी मम्मी का नाम है आयशा परवीन और फादर का नाम है मोहम्मद शाह आलम। तो ये जो है, ये जिस स्टूडेंट का, जिस बच्चे के बारे में हम देख रहे थे, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप जब अपना रिजल्ट देखेंगे तो ये जो रोल नंबर है आप इसको ये टच कर लेना है और आपका रिजल्ट खुल करके सामने आ जाएगा। तो यही जानकारी हम आप लोगों को देना चाहते थे। तो रिजल्ट आने के बाद, जिससे कि कोई स्टूडेंट परेशान ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो सही से समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स।